हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं लेकर आती हूं नए नए टॉपिक्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, ये पहली बार नहीं है। इसको लेकर के बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आती रहती है। जैसे आपने सुना होगा, साइबर अटैक सुना होगा कि भाई किसी के सिस्टम को हैंग कर लिया, किसी सिस्टम को हैक कर लिया, किसी की पूरी कंपनी को ही हैक कर लिया, डाटा सारा ब्रीच कर लिया वहाँ पर। वो सारा होता है कि हाँ साइबर अटैक हुआ। लेकिन डीडॉस जो होता है ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपकी वेबसाइट का डाटा नहीं चोरी करते हैं, ना ही आपको कोई नुकसान होता है। बस यहाँ पे ये होता है कि रियल ऑडियंस जो वहाँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगी। जैसे मान लीजिए किसी नेताजी की रैली हो रही है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बेचारों ने क्या किया है, जो सच में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके उनको पता है कि मेरे फॉलोअर्स हैं 5,000 लोग हैं मेरे फॉलोअर्स, और 5,000 सीट लगवा दी उन्होंने कि मेरे लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने सोचा कि इसके फॉलोवर जाए, इससे पहले क्या मैं अपने लोगों को भेज देता हूँ। तो लोग 10 बजे आने वाले थे, उसने पहले ही 9 बजे क्या किया, 5,000 अपने लोग भेज दिए, उनके फॉलोअर्स नहीं पहुँचे। 5,000 मतलब 2,500 लोग उनके थे, 2,500 लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने वाले थे। तो क्या हुआ कि उनके लोग जो सच में पहुँचने चाहिए थे उनको पहुँचने नहीं दिया, सीट ऑक्यूपाई कर ली। तो डीडॉस इसी तरीके का होता है कुछ। तो यहाँ पर बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपके घर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा आजकल AI यूज़ हो रहा है। तो जो इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं, IoT जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो क्या करता है, हैकर उनको हैक करता है, और जहाँ पे मतलब जिस वेबसाइट पर भी, या मान लीजिए कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव होने वाला है किसी, जैसे अभी क्या होता है ट्विटर पर लाइव होने वाली थी कुछ चीज़ें, आपको पता है एलन मस्क है, उनके साथ क्या हो रहा था कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं USA के, उनके साथ एक इंटरव्यू होने वाला था जिसको वो लाइव चलाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, डीडॉस का हमला हुआ और वहाँ पे लोग जो सच में जाने चाहिए देखने के लिए वो जा ही नहीं पाए। तो सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पर सच में कोई ऑडियंस, रियल वाली ऑडियंस नहीं थी, सब बॉट्स थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कोई साइट आपने है, कोई शॉपिंग साइट चला रहे हो, कोई वेबसाइट चला रहे हो, कुछ भी चल रहा है, बहुत स्लो चलती है, ठीक है। स्लो चलने का मतलब ये होता है कि भाई जितनी क्राउड वहाँ पे होनी चाहिए उससे ज़्यादा अचानक से वहाँ पे बहुत सारी क्राउड आ गई। और उसमें होता है कि बहुत बार होता है कि वहाँ पर रियल क्राउड नहीं होती, बॉट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जैसे आप कभी भी कहीं पर भी साइनिंग करेंगे ना, तो उसमें पूछता है कि आप पहले कन्फर्म करो कि आप रोबोट नहीं हो, आपको इमेज देगा, बस ढूंढनी होगी, ट्रेन ढूंढनी होगी, रेड लाइट ढूंढनी होगी। तो ये सब चीज़ें होती है ना, उसी का एक तरीके से ये है, ठीक है। देखो लिखा क्या है यहाँ पे, टेक अरबपति एलन मस्क ने एक्स पर, एक्स मतलब ट्विटर, ठीक है, एक्स मतलब वो वाला एक्स नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये जो है ट्विटर वाला एक्स है, बड़े पैमाने पर डीडॉस हमले की बात कही है, जिसके कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके साथ साक्षात्कार का प्रसारण बाधित हो गया। उनके साथ इंटरव्यू होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, क्रैश हो गया, क्योंकि भाई किसी भी सिस्टम की एक लिमिट होती है कि इतने लोगों को हैंडल कर पाएंगे। साहब जब आप जब फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आप देखोगे ना साइट जो है लास्ट के कुछ दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतनी मतलब ज़्यादा लोगों को बाद में याद आता है कि भाई हमें फॉर्म भरना है, और जो साइट की कैपेसिटी है मान लीजिए एक बार में 50 लाख लोग या 5 लाख लोगों को हैंडल कर सकती है। अब 140 करोड़ की आबादी भारत में, उसमें सोच ली 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको याद है कि यार फॉर्म भरना, सब एक साथ पहुंच गए, तो साइट क्रैश कर जाती है, चलती नहीं है ना, वैसे कुछ यहाँ पे देखने को मिले। डीडॉस का मतलब क्या होता है, सेवा निषेध, जो सेवा आपको मिलनी चाहिए वो सेवा नहीं मिल पा रही है। आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे, आप शॉपिंग करने गए थे किसी साइट पर, ऑफर चला तो पता चला जितने क्राउड वो संभाल नहीं सकता है वो वहाँ पे पहुँच गए, तो क्या हो गया, सेवा निषेध, मतलब सेवा वहाँ पे रुक गई। तो लिखा है डीडॉस हमला किसी लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। ये नेचुरली नहीं होता है, ये क्या होता है, कोई जानबूझ करके करता है, ठीक है, जिसके तहत लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ से प्रभावित किया जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ बाढ़ आ जाती है लोगों की, यूजर्स की बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्रैश हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें आपका डाटा चोरी नहीं हो रहा है, ना ही आपको मतलब वैसा कोई नुकसान नहीं कराया जा रहा, बस ये है कि जो आपको सच में जानना चाहे, जो आपसे कनेक्ट करना चाहे, जो सच में वहाँ पे होने चाहिए थे लोग आपके बेनिफिट के लिए, वो लोग वहाँ पे नहीं है, बस फालतू की वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुँचने पर रोकना एक साइबर अपराध है, इसको भी साइबर अपराध में ही माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैकिंग वगैरह करके किसी साइट पर जाने से आपको रोक रहा है, देखो क्या हुआ
50 लाख लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब आपको सच में ज़रूरत है उस साइट पर जाने की, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो, वो साइट क्रैश कर रही गई है, लेकिन वहाँ पे सच में कोई यूज़र्स नहीं है, किसी ने हैक करके वहाँ पे डीडॉस का इस्तेमाल किया गया है। तो होता क्या है कि हमें ज़रूरत है लेकिन हम जा नहीं पा रहे, इसको व्यक्ति के साइबर अपराध घोषित किया गया है। अन्य प्रकार के साइबर हमलों के विपरीत, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, अलग अलग जो साइबर अपराध होते हैं और डीडॉस के बीच डिफरेंस क्या है, क्या अलग है इसमें। डीडॉस हमले आपकी सुरक्षा परिधि को भंग करने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब क्या है, जैसे एक्स पर मतलब ट्विटर पर जब मीटिंग होने वाले थे, तो ट्विटर का डेटा क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उसको वहाँ पर उसने जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको तोड़ा नहीं है, वो बाहर से ही काम कर रहा है, बाहर से ही क्राउड लेकर के आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिक्योरिटी सिस्टम को नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि डीडॉस हमले का उद्देश्य है आपके वेबसाइट और सर्वर को वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध या उनकी जो है पहुंच को बाधित करना। मतलब क्या, जो वैध उपयोगकर्ता आपके साइट पर आके सच में आपके बिजनेस को बढ़ाते, सच में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले थे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि भीड़ जो है ज़्यादा हो गई है, ठीक है। डीडॉस का उपयोग अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है, तथा अलक्ष्य की सुरक्षा परिधि को भंग करके सुरक्षा उपकरणों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है आपकी सिक्योरिटी जो काम करती है आपके सिस्टम पे, सर्वर पे, उसको तोड़ने के लिए नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कई बार यहाँ पे। लेकिन अभी जो हम डीडॉस का हमला पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो ट्विटर में जो मीटिंग होने वाली थी उसकी वजह से यहाँ पे चर्चा में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, हैकर है ये, इसने बॉट्स को हैक किया। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत सारी अलग अलग होती हैं, उनका एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। उनको हैक करके क्या करता है, उनका सर्वर का इस्तेमाल करके उनके इंटरनेट का इस्तेमाल करके, जैसे आपके घर पे 5 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, या 5 जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करेगा वो जो हैकर है, वो उनको हैक करेगा और उन बॉट्स का इस्तेमाल करके या उन पे लॉगिन करेगा अपने माध्यम से, और वो साइट पर चला जाएगा। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, बट क्या है, हैक करके इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। देखो यहाँ पे यही किया जा रहा है, विक्टिम्स यहाँ पे ये अलग अलग है। अब देखो क्या लिखा है कि हमला कैसे किया जाता है। इमेज है, एक हैकर है, बॉट्स को इसने हैक किया, बॉट्स का इस्तेमाल करके साइट पर गया, जिसे बेचारे विक्टिम्स यहाँ पे परेशान हो गए। देखो क्या लिखा है, डॉस हमले इंटरनेट से जुड़ी मशीनों के नेटवर्क पर किए जाते हैं, कभी भी ऑफलाइन सर्वर्स पर इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऑफलाइन वाले बच जाते हैं यहाँ पे, उन पे डॉस हमला नहीं होगा। कभी क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें ऑफलाइन माध्यम में हो रही, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो क्या वहाँ पे डीडॉस का हमला हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इन नेटवर्कों में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस, जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जिसको बोलते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से काम करती हैं, शामिल होते हैं, जो मैलवेयर से संक्रमित होते हैं, जिससे उन्हें हमलावर द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो इंटरनेट के माध्यम से चली, जैसे मेरा ये फ़ोन है, ये इंटरनेट के माध्यम से काम करता है, तो अगर हैकर चाहे तो इसको हैक कर सकता है। मैं कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, या फ़ोन पे कोई लिंक आया, या गूगल पे गई, या इंस्टाग्राम पे कहीं पे कोई ऐसा लिंक आया जिस पे क्लिक किया, मेरे फ़ोन में मालवेयर आ गया, उसके माध्यम से हैकर जो है मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, या हैक करके इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो जितने भी IoT वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर हैकर द्वारा किया जाता है। एक बार बॉटनेट स्थापित हो जाने पर हमलावर प्रत्येक बॉट को दूरस्थ निर्देश भेजकर हमला करने में सक्षम हो जाता है। एक बार जिसको हैक करके बॉट स्थापित कर देता है, उसको फिर वो हर बार यूज़ कर सकता है। जब किसी पीड़ित के सर्वर या नेटवर्क को बॉटनेट द्वारा लक्ष्य बनाया जाता है, तो प्रत्येक बॉट लक्ष्य के IP पते पर अनुरोध भेजता है, जिससे संभवतः सर्वर या नेटवर्क के, देखो यहाँ पर होता क्या है, अब बहुत सारे बॉट्स जो हैं वहाँ पर पहुँचे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कितने यहाँ पर रियल यूज़र हैं और कितने ऐसे यूज़र्स हैं जो बॉट के, मतलब जिसको हैकर ने बॉट के माध्यम से यहाँ पर भेजा है। तो एक तो क्या होता है, उन दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जिसके वजह से समस्या का समाधान अभी तक ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, सामान्य ट्रैफिक की सेवा बाधित हो जाती है। नॉर्मल लोग, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बीच झगड़ा हो गया, या मान लीजिए उनके बीच कंपटीशन चल रहा है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि एक हैकर को बोला कि ऐसा करो, तुम सेल आने वाली है दिवाली की, और मतलब अमेज़ॉन की साइट पर जो है तुमको
मतलब हमला करना है, डीडॉस वाला हमला करना है, आप तो इतने पैसे देंगे। होगा क्या, पता चला दोनों की साइट्स पर 12 बजे सेल आने वाली थी और जो है फ्लिपकार्ट ने जो पैसे दिए हैं, डीडॉस का हमला हो गया अमेज़ॉन पर, तो जो है साइट जो है अमेज़ॉन की क्रैश कर गई। काम ही नहीं कि लोग परचेज़ नहीं कर पाए, उनको लगा कि आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें जा रही हैं, तो इससे नुकसान हो गया अमेज़ॉन को। लेकिन लोग जो है सारा क्राउड कहाँ चला गया, फ्लिपकार्ट पे, कि भाई अमेज़ॉन की साइट तो चली नहीं रही, ऑफ़र यहाँ पे भी है, ऑफ़र फ्लिपकार्ट में भी, अगर अमेज़ॉन में ऐसे अटके रहे तो फ्लिपकार्ट की सेल भी चली जाएगी, तो लोग ने जाके वहाँ से खरीद लिया। तो क्या किया उसने, अपना बेनिफिट कराने के लिए वहाँ पर क्राउड बढ़ा दिया, लोगों को लगा यहाँ से सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गए, यहाँ ज़्यादा क्राउड है, साइट चल नहीं रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, नुकसान किया जाता है। ठीक है, ये सारा हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है, चूँकि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चैट बॉट का, सॉरी चैट बॉट का, हर एक बॉट का जो एक आईपी एड्रेस होता है और एक इंटरनेट कनेक्शन होता है। देखो लिखा है, प्रत्येक बॉट एक वैध इंटरनेट डिवाइस है, इसलिए आक्रमणकारी ट्रैफिक को सामान्य ट्रैफिक से अलग करना कठिन हो जाता है। अब जो है क्या, जो भी बॉट्स यूज होते हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है, वो इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे होते हैं, तो जो साइट होती है उसको लगता है कि हाँ भाई इसका आईपी एड्रेस भी है, इंटरनेट का यूज़ भी कर रहा है, तो ये ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन गड़बड़ होता है और उसके माध्यम साइट्स क्रैश होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा डीडॉस का हमला क्या होता है। डीडॉस का हमला क्या होता है, इस तरीके से रियल क्राउड को या फिर सच में जो यूजर्स उस साइट तक पहुंचना चाहते हैं उनको पहुंचने से बाधित करना या उनको रोकना, और बिना बात के उस साइट पर इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा कर देना कि वो साइट क्या हो, क्रैश हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, चलना बंद कर देगी। तो ये हमारा सारा हो गया किसके बारे में, डीडॉस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।